नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वच्छता से लेकर स्वस्थता तक, क्लिनलीनेस से लेकर हाइजीन तक, गुड इवनिंग इंडिया के माध्यम से हम आपके घर तक लाते हैं सभी जानकारी। बहरहाल, पिछले दिनों मनाया गया ट्यूबरकुलोसिस डे, इसी के लिए आज हम बात करेंगे क्या है कारण, क्या है सिम्टम्स, और अगर आप ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं तो किन बातों का अपना रखना है ध्यान। मेरे साथ दो खास मेहमान होंगे, लेकिन हम उनसे बात करेंगे अपने तीसरे यानी कि हेल्थ सेगमेंट में। मैं हूं शिखा सचदेवा और मेरे साथ है भावना। नमस्कार। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे एक फोक सिंगर से और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। साथ ही आपको मिलवाएंगे हम एक फोटोग्राफर से, किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और किस तरीके से वो अब अपनी जर्नी को आगे लेती हुई जा रही हैं, इसी पर हम उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं आर्ट इज मेनी वेन्यूज, सिंगिंग कहे, गीत संगीत, पेंटिंग कहे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोग्राफी, हमें लगता है यू डोंट क्लिक अ पिक्चर, यू डोंट टेक अ पिक्चर, बट यू मेक अ पिक्चर। तो ऐसे एक मेकर हमारे साथ है। वील से नेवर ट्रस्ट वर्ड्स, नेवर ट्रस्ट एक्शंस, ओनली ट्रस्ट पिक्चर्स, क्योंकि एक पिक्चर ही है जो कभी नहीं बदलती, चाहे उसमें जो लोग हैं वो बदल जाए। बहरहाल, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी है, हु इज अ फोटोग्राफर ऑफकोर्स, बट उनके एवेन्यूज बहुत सारे हैं, क्योंकि शी हैज मास्टर्ड इन किड्स फोटोग्राफी साथ साथ, और किस तरीके से वो कैमरे का यूज करती है, किस तरीके से वो सेल्फ फोटोग्राफी में क्या क्या कर रही है, आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी। मेरे साथ है सपना कपूर। वेरी वार्म वेलकम सपना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपना जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई एज अ फोटोग्राफर? मैम, चाइल्डहुड से ऐसा कुछ पैशन नहीं था, जो भी हुआ आफ्टर मैरिज हुआ। आफ्टर मैरिज, जैसे ग्रेजुएशन के बाद मेरा मैरिज हुआ, मैरिज के बाद मेरी डॉटर हुई एंड शी वॉज वेरी चार्मिंग इन फोटोजेनिक। आई जस्ट स्टार्टेड क्लिकिंग टू हर एंड उसकी पिक्चर्स मैंने भेजी आगे, तो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। शी डिड लॉट्स ऑफ शूट्स, देन इट वॉज द टर्निंग पॉइंट, सो आई स्टार्टेड द किड्स फोटोग्राफी बेसिकली। लेकिन मैं फोटोग्राफी एज अ फील्ड के बारे में जब मैं बात करती हूँ, यू नो, कर्टसी दीज मोबाइल्स और एडिटिंग एप्स, एवरी अदर इंडिविजुअल इज अ फोटोग्राफर दीज डेज। और मैं तो कहूँगी सेल्फीज के कारण अब लोगों ने हंसना भी सीख लिया है, चाहे इट्स आर्टिफिशियल। तो फोटोग्राफी जब आप देखते हैं, क्या लगता है कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है? मैम, जो भी बातें आप बोल रहे हैं ये सब अभी आई हैं, थोड़ा टाइम ही हुआ है डिजिटलाइज हुए, सेल्फीज, मोबाइल। व्हेन आई स्टार्टेड आज से 14-15 इयर्स पहले ये सब नहीं था, तो हमें बच्चों के कैंडिड वर्ड भी इनफैक्ट अभी आया है। पहले कैंडिड भी नहीं था, तो हमें उनकी मूवमेंट्स, इमोशंस सब कैप्चर करने थे, तो उसमें हम लोगों ने जैसे स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे। तो यू नो, एक आप अगर चाइल्ड के साथ रहते हो तो एक अपने चाइल्डहुड में ही जीते हो। बिल्कुल। और बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं तभी जब आप भी बच्चा बनो, तो बच्चे भी बने, हंसे भी, रोए भी, सोए भी। जैसे बीच में शूट चल रहा है, अगर उनका मूड नहीं है तो वी कैन वेट कि बच्चा सो रहा है, तो इट्स ओके, बच्चा सो जाए, बच्चा उठेगा देन, बिकॉज वी हैव टू कम्प्लीटली परफेक्ट पिक्चर, सो वी वेट फॉर द किड्स मोमेंट बेसिकली, दिस इज द मेन थिंग। एज अ फीमेल फोटोग्राफर, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि अभी भी इतना टाइम चेंज हो गया है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में वो जा रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि फोटोग्राफी की फील्ड में जल्दी से कोई आना नहीं चाहता है, और आपने इतने पहले से अपना करियर शुरू किया है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही फेस करना पड़ा था? नहीं मैम, पता नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक अगर आप किड का फोटोशूट कर रहे हो तो एक मदर फीलिंग आती है, उससे किड भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और शायद फीमेल फोटोग्राफर्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी अपने बच्चों को टैकल किया है, तो वी नो कि कब वो परफेक्ट पोज देंगे, कौन सा आउटफिट उन पर सूट करेगा, कब वो नॉटीनेस दिखाएंगे, कब वो नाराज़ होंगे, तो ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ डोमिनेटिंग नहीं है मेल फीमेल में, बट यू शुड बी कंफर्टेबल विद द किड्स। एब्सोल्युटली। और आई थिंक अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इस कैटेगरी की बच्चों की बात करें, तो यू हैव टू वर्क एज पर देयर मूड। यस मैम, द ओल्डर दे ग्रोज वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। यू विल से स्माइल, दे विल स्माइल, आप कहोगे यू नो एंगरनेस दिखाओ या शाइनेस दिखाओ, दे विल। तो क्या लगता है एक बॉन्ड बनाना भी बहुत जरूरी है, कि वो एक मेयर क्लिक नहीं होता, दैट्स अ बॉन्ड विच यू शेयर विद द चाइल्ड। हाँ, यस मैम, एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज बच्चे तो मेरा कमांड नहीं मानेंगे, अगर मैं उनको बोलूँ कि स्माइल करो तो भाग जाएंगे, समझ नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा, भाग जाएंगे, मॉम डैड के पीछे पीछे घूमेंगे, तो उसके लिए हमें ही उनके पीछे पीछे घूमना है, कुछ टॉयज दिखाने हैं, कुछ सॉन्ग सुनाने हैं, कुछ स्टोरी सुनानी है, कुछ फ्रेंड बनना है, कुछ मदर बनना है, तो वो सब एक प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ होता है।
बहुत टाइम लगता है, बट वो जो रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग होता है। किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? बच्चों के चैलेंजेस होते हैं मैम, इतना कोई ग्रेट चैलेंज नहीं होता, बच्चे भगवान का गिफ्ट है, दे आर वेरी स्वीट, ऐसा मुझे कोई चैलेंज नहीं है। कई बार बच्चे बहुत मूडी होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है बस। कई बच्चे बहुत फ्रेंडली होते हैं, मैंने कितने कितने बच्चों का शूट किया है जो बच्चे, मतलब मेरे पास कई बच्चे आते हैं 1 आवर में शूट डन, नहीं तो 1 डे में भी नहीं डन होता। बिल्कुल, डिपेंड्स। आई थिंक इसी के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस किड्स फोटोग्राफी, क्या लगता है पेरेंट्स एक एम्बार्कमेंट सोच कर आते हैं कि नहीं हमें फोटोग्राफ्स क्लिक करानी है क्योंकि उनको एड्स में देखना है, मूवीज में देखना है, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं इट्स जस्ट फॉर फन, वी वांट देयर पोर्टफोलियोज टू बी मेड? किस तरीके के पेरेंट्स आपको अप्रोच करते हैं? मैम मेरे को आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे पेरेंट्स अप्रोच करते हैं जो अभी प्रेगनेंट होती हैं मॉमीज, तो वो बस वहीं से स्टार्ट होता है उनका कैरियर, 1 month, 2 month, 3, 4, 5, 6 वो दे विल मेक द कम्प्लीट एल्बम द 1 year, दे आई थिंक दे सेलिब्रेट एवरी मंथ हैप्पी बर्थडे, तो हम लोग वो भी शूट करते हैं, कॉन्सेप्ट शूट होते हैं। और आई मस्ट से कि आजकल के पेरेंट्स टू अवेयर्ड कि चाइल्डहुड से ही, मतलब पहले से ही उन्होंने सोचा होता है कि हमें आज बच्चे को यहाँ डालना है, बाकी जो बच्चों को एक्सप्लोर करना है वो सब फिर हम लोग का एक वो होता है कि हम करते हैं अगर पेरेंट। हाँ, बट पेरेंट आजकल दे आर वेरी मच अवेयर, पहले नहीं थे, पहले बहुत कम पेरेंट थे जो सोचते थे कि हम अपने बच्चों को, आजकल ईच एंड एवरी पेरेंट जो मेरे स्टडी में है कि वो सब चाहते हैं कि हाँ अगर किसी भी तरीके से हमारा बच्चा के अंदर वो टैलेंट है और वो जा सकता है तो वो जाए एक्सप्लोर। हाँ जी, और क्या लगता है जब आपने अपनी यू नो यू स्टार्टेड विद योर डॉटर, जब आपने फोटोग्राफ क्लिक की तब नहीं पता था कि इतना बड़ा वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, तब एज अ मदर आपने रोल निभाया था, तब लगा होगा मुश्किल होगी, नहीं शी शुड बी एक्सेप्टेड बाय द एजेंसी, जैसे अब लगता है कि अब काफ़ी आसान हो गया, अब कॉम्पिटिशन और बढ़ गया है? मैम दोनों बातें हैं। फर्स्ट अगर मैं अपनी बताऊँ कि मैंने जब अपनी डॉटर का स्टार्ट करा था तब डिजिटलाइज नहीं था, हार्ड कॉपीज़ होती थी, डार्क रूम में जाके हार्ड कॉपीज़ करवा के कुरियर करवाना, बट शी वॉज़ वेरी लकी चैम कि उसको बहुत शूट्स मिले, शी डिड विद आमिर खान जी, शाहरुख खान जी, शी डिड, हाँ शी डिड लॉट ऑफ शूट्स, एल जी डिटोल, सो उस समय बहुत मुश्किल था, आज के टाइम पे बहुत ईजी है। आज के टाइम पे तो पेरेंट सेल्फीज ले लेके ना बच्चों को 6 months में इतना प्रोन कर देते हैं, बिल्कुल, तो वो अब वो वाली बात नहीं रही कि वो बच्चों के अंदर अब टैलेंट है, मतलब स्टार्टिंग से ही है क्योंकि 1 day से ही चल पड़ा है प्रोग्राम सेल्फीज लेने का, फोटोग्राफ्स क्लिक करने का, तो बच्चों के अंदर अब वो टैलेंट है। आजकल देखो मैम जनरेशन भी चेंज हो गई है, 15-18 years पहले की बात बता रही हूँ, अब वो बच्चों के अंदर बॉर्न टैलेंट है जो अगर पेरेंट थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाएं तो वो निकल के एक्सप्लोर हो सकता है, बच्चे आगे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर फोटोग्राफी एज अ करियर की बात करें, बहुत ऐसे इस टाइम इमेच्योर फोटोग्राफर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फोटोग्राफी एज अ सब्जेक्ट लिया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कहें, चाहे वो नेचुरल क्लिक्स कहें, चाहे वो लैंडस्केप्स की पिक्चर्स कहें, क्या लगता है फोटोग्राफी एज अ करियर भी बहुत इवॉल्व हुआ है? मैम वाई नॉट, आजकल सब कुछ फोटोग्राफी है, आप देखिए आप कोई भी बुकलेट कोई भी चीज़ उठाइए सब चीज़ें आपको आज उसमें मिलेंगी, अगर वाइल्ड लाइफ है तो एक एक यू नो कि अंदर तक जाकर के एक अंदर का पार्ट दिखा सकता है, और अगर चाइल्ड फोटोग्राफी है किसी भी चीज़ में आजकल फोटोग्राफी एक मेजर रोल निभाता है मेरे हिसाब से, तो हर चीज़ में फोटोग्राफी है, आप अपने घर से बाहर निकलो यू कैन सी द होर्डिंग्स बैनर, सब चीज़ें फोटोग्राफी से इन्वॉल्व हैं। और आजकल मतलब यंग एज में सब DSLRs अपने साथ लेकर घूमते हैं और वो फोटोग्राफी करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग उस मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं जो सपना देखते हैं। आपको अपने काम के लिए बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, तो कैसा महसूस होता है कि एक शौक के तौर पर आपने फोटोग्राफी शुरू की और फिर उसको प्रेस किया गया और आपको अवार्ड्स? मैम डेफिनेटली अच्छा लगता है, हमें पेरेंट्स के बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बच्चे बहुत आगे हमारे गए हैं, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ भी उन्होंने वर्क किया है, अभी एक रिसेंट मूवी उरी में करा है, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, अभी फील प्राउड ऑफ द अपकमिंग स्टार्स एंड इवन द जो ऑलरेडी स्टार्स हैं उनके लिए भी फील प्राउड। लेकिन अगर हम यू नो अदर साइड ऑफ द कॉइन की बात करें बच्चों पर, क्या अगर जब हम बात करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर यू नो कि चिल्ड्रन आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क, डू यू थिंक कि बच्चे एकेडमिकली या पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, या चाइल्डहुड नहीं, अभी उनको हमने इतना ग्लैमर क्लिक्स लाइट्स कैमरा एक्शन के बीच में वो दुनिया दिखा दी है, या क्या लगता है कि दे शुड एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज? मैम अगर बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है ना वो आगे नहीं जा पाएगा,
हम लोग फोर्सफुली उसको वो इमोशंस निकाल ही नहीं पाएंगे. इमोशंस तभी निकलेंगे जब बच्चा विलिंग है. पेरेंट के विलिंग होने से इमोशंस नहीं होगा. कई पेरेंट मेरे पास आते हैं जो बहुत हमारा बच्चा बन जाए, वो बच्चा परफॉर्म करने को रेडी नहीं है. और कई पेरेंट को पता भी नहीं होता कि बच्चा इतना ज़बरदस्त है, तो हमारा कैमरा जब चलता है तो हम तब बता सकते हैं कि वो बच्चा कितना आगे जाने वाला है. अगर बच्चा कंफर्टेबल जोन में है वो तभी करवाएगा, अदरवाइज ही विल क्राई, वो नहीं करवाएगा. जब वो करवाएगा ही नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं होगा अदर मॉडल्स के साथ, तो फिर उसके लिए बहुत आगे तक. लेकिन देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर एकेडमिक्स. अगर हम कहेंगे आप पढ़ाई पहले करें, पढ़ाई साथ साथ चलती है, ऐसा नहीं है मैम. बच्चों के अंदर मैक्सिमम कॉन्फिडेंस गेन होता है इस फील्ड. अगर आपका बच्चा काफ़ी लोग पहचान रहे हैं तो वो और ज़्यादा अपने आप को एक एक्स्ट्रा फील दिलवाता है कि आई एम समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस गेन होता है, वो स्टडीज़ में भी नज़र आता है. वो बच्चे फिर सब चारों साइड से ही सक्सेसफुल रहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है. चाइल्ड फोटोग्राफी के अलावा आपकी बकेट लिस्ट में और क्या है अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं है. अभी कुछ नहीं है, यही करना है. चाइल्ड फोटोग्राफी ही करना है. और आई वांट कि मेरी डॉटर, शी हैज़ बीन जॉइंड मी, शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड द फोटोग्राफी, तो वो भी यही करे. हम लोग यही चाहते हैं नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी हो. कहीं ऐसे नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ बच्चों के अंदर टैलेंट है बट अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में, तो वो भी हो, वहाँ पर भी हम जाएँ, वहाँ पर भी स्टार्ट करें. तो बेसिकली यही है. जब पेरेंट्स ने बच्चों की फोटोग्राफ्स बनवा दी, पोर्टफोलियोज आर रेडी, तो फिर दे स्टार्ट ईटिंग योर हेड कि कब कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कब प्लेसमेंट होगा, कब या फिर दे टेक साइग ऑफ रिलीफ, नहीं बाबा हमारे पास आ गया. कि किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं, क्या लगता है? मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं. देखो, पेरेंट अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो दे वांट कि समथिंग गुड, हमें न्यूज़ जल्दी मिले. तो वो होता है, बट पेशेंस भी ज़रूरी है, रखते हैं, आगे बढ़ते हैं. बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंगल डे और टू डेज और वन वीक जॉब, इट इज़ अ लॉन्ग जॉब. अगर आपने एंटर किया है तो धीरे धीरे यू विल गो एड, तो टाइम लगता है, बट पेरेंट्स आर वेरी कूल, कोई ऐसा इशू नहीं होता. बिल्कुल. और लेकिन कंपटीशन की बात करें, एवरी फील्ड हैज इट्स ओन चैलेंजेस, जैसे कि भावना ने भी पूछा, और यू नो कंपटीशन भी होता है. कुछ ऐसी ऑनलाइन साइट्स भी है वेरन आप फोटो क्लिक करा के वो अपने डेटा बैंक में रखते रहते हैं. हाँ, क्या लगता है, डू दे स्टैंड एज अ कंपटीटर्स फॉर यू? यस मैम, व्हाई नॉट. हम लोग हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं. अभी हमारे पास ऐसे सोशल साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं. okay. अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या हमारी टीम से कोई अवेलेबल नहीं है, तो दे कैन गो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द चाइल्ड मॉडल्स. ये तो बच्चों का ही एक चेन बनता है, इसमें बच्चों का मार्केट बनता है जिससे उनको प्रॉफिट होता है. बिल्कुल. और इंडोर या फिर आउटडोर, क्या लगता है, बच्चे अपने घर के प्रॉप्स की बात करें, पेरेंट्स आसपास हो, या फिर आप पेरेंट्स को दूर भगा देते हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि वो पेरेंट की नहीं सुनते, तो हम पेरेंट को बाहर भगा देते हैं कि आप चले जाओ, हमें आराम से हमारा काम करने दो, तो हैंडल हो जाते हैं. क्योंकि कई बार बच्चे ज़्यादा नॉटी हो जाते हैं तो वो नहीं करते, तो ये भी होता है. ऐसे भी मैम सब होता है, जब फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ बच्चे हैं तो वो कुछ भी, सभी तरीके के रिएक्शन और सभी तरीके के एक्सपीरियंसेस आपकी डेफिनेटली आते हैं. तो आई थिंक भावना, अब हम रैप अप करते हैं अपना ये वाला सेगमेंट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ज्वाइनिंग, और हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. तो मतलब जैसे हमने कहा कि एक्चुअली डोंट ट्रस्ट वर्ड्स, डोंट ट्रस्ट एक्शंस, पिक्चर यू हैव टू ट्रस्ट. पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चलते हैं हम अपने हेल्थ सेगमेंट. हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि है मिड टर्म इसकॉन. एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस की ऑन द लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज कहे या फिर ब्लड प्रेशर. आइए दिखाते इस पर हमारी ये रिपोर्ट. You know, all the studies you read which tell you vitamin D did nothing. The calcium of 12.3 and a prolactin which is not hugely elevated but it was still there. The other hormones were fine. स्पोर्ट्स एंडोक्रिनोलॉजी का एक सेशन है जिसमें आप आम जानते होंगे कि कई पीछे अखबार में भी छपा था, एक युवक जो है जिम में जाके कुछ ज़्यादा स्टीरॉयड्स लेके वो फिर हॉस्पिटल में उसको भर्ती करना पड़ा किडनी और लिवर फेलियर की वजह से. तो एक ये एंगल है क्योंकि वो भी एक स्टेरॉयड ही कहलाता है. ट्रॉपिकल एंडोक्रिनोलॉजी जो हमारे कंट्री और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में स्पेशली ज़रूरत होती हैं, उस टाइप के टॉपिक्स भी डील होते हैं. फिर विटामिन डी, जो कि विटामिन डी के आजकल बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर है कि विटामिन डी की कमी से सारी बीमारियाँ दुनिया में हो सकती हैं, तो वो वाकई वो सही है या गलत है, इसके पे चर्चा होगी. फिर बोन डिजीज़ पे होगी कि बोन की जो वीकनेस है, ऑस्टियोपोरोसिस हम कहते हैं, उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स क्या हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से डॉक्टर को पहचाननी चाहिए ये.
फिर एक एंडोक्रिन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तो हमने सब सुना है, लेकिन एंडोक्रिन डिजीजेज कुछ ऐसे हैं जिसमें ब्लड प्रेशर भी एक उनका एक सिम्टम या साइन होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक दिन के इंटरेक्शन के बाद डॉक्टर्स जो इसमें अटेंड करेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उनके नॉलेज एनरिच होएगी और वो अपने पेशेंट्स को बेहतर इलाज उनका कर पाएंगे। शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्मोन्स की बीमारियाँ, ये इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है अपने डॉक्टर साथियों को और नर्स साथियों को पढ़ाने की कि इनका कैसे इलाज किया जाए और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनसे कैसे बचा जाए। तो जो मिड टर्म एसिकॉन है जो UCMS और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में हो रही है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडिया के डॉक्टर्स को के साथ शेयर करने की कि एंडोक्रिनोलॉजी की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, एंडोक्रिनोलॉजी की बीमारियों से कैसे बचें और उनका इलाज कैसे करें। हमारे देश में या जो डायबिटीज़ की संख्या, अब ये एक बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या है कि इनका अर्ली स्टेज में निदान होना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियां अनडायग्नोज रहती हैं बहुत लंबे साल तक, और उसकी वजह से बॉडी का हर सिस्टम डैमेज होता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे लिवर हो और ऑल अदर सिस्टम्स। इसलिए डायबिटीज़ की डायग्नोसिस जानना बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी है। एट लार्ज जब ये सब लोग अपने अपने एरियाज़ में जाते हैं तो बहुत लंबी, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन को ज्ञान से पेशेंट केयर में सुविधा दे सकते हैं, आसानी दे सकते हैं। हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें भी डायबिटीज़ और ओबेसिटी जिस तरह बीमारियां जो अब आने लगी हैं, और हम उनको ये हमारी सोसाइटी के सिक होने का ये इंडिकेट करती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके और अपने डॉक्टर्स को एजुकेट करें और इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं कि लोग जो हैं इस तरह की बीमारियों का शिकार ना हो, इन बीमारियों से बचा जा सके। और ही और साथ में हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जैसे यहाँ है, वहाँ पर आकर डॉक्टर्स का जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनसे उनका इलाज करा सकें, उनसे उनका निदान करा सकें। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक विमेन अचीवर से मिलवाया, अब फिर से आपको एक ख़ास मेहमान से मिलवाते हैं जो कि फोक म्यूज़िक से जुड़ी हुई हैं और मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो गाती हैं। तो स्वागत करते हैं अनीता निषाद जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में भावना बता रहे थे कि गाना गाना अलग अलग भाषाओं में, तो हिंदी भाषा में हमसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए क्या गुनगुना के सुनाएंगे? सबसे पहले मैं आसाम से हूँ तो आसामी से एक सॉन्ग मैं बिल्कुल वॉइस से गाए हुए वही सॉन्ग मैं सुनाती हूँ। ओ रे पिया, ओ रे पिया रे, ओ रे पिया, ओ रे पिया रे, ओ रे पिया मय अहमरे जी, मैं पहाड़िया गाभरु उरोनिया, মই পখিলা খেদি ফুরা আজলি পিয়া, শিপিনীও মই রুবনীও মই, অসমরে ছোৱালী অসমীয়া মই, শিপিনীও মই রুবনীও মই, অসমরে জীয়রী অসমীয়া মই, ওরে পিয়া पल पल दिल हरे पल पल दिल, पल पल दिल हरे पल पल दिल, बहागते बहागे रंगते रंगले आउल बेल होय तय करिले, बहागते बहागे रंगते रंगले बहागते बहागे मुगारी हापिंधे तय होली दासनी, दिन के दिन 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 के दिन दिन के दिन बाजी से ककारी ढोल अहमियार प्रतिटु मन उलाहत आकुल बिकुल, खिपिनीउ मई रुवनीउ मई अहमरे जियोरी अहमिया मई। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल फोक सॉन्ग के लिए जो हम कहते हैं कि मिट्टी से जुड़ा संगीत होता है, तो आप बिल्कुल असम में हमें ले गई। तो ये एसमीज में आपने गाया, इसके अलावा आप और कौन कौन सी भाषा में आप गाती हैं? मैंने अभी एक वहाँ पे ट्रैवल आदिवासी में गाया हूँ,
और उसके बाद एसएमएस के ही मेरी एल्बम आ चुकी है और उसके बाद आपके नेपाली में थोड़ी मैंने गाया डुइट सॉन्ग गाया है जी और गुज आपको उड़िया में गाए हूँ थोड़ा थोड़ा डुइट उसके बाद आपका अभी भोजपुरी में बहुत सारी आ रही है मेरी एल्बम आ चुकी है और आ भी रही है अभी एक मेरे कल डबिंग फाइनल होके आई है उसकी एक लाइन में आपको गुनगुनाती हूँ हमरे जैसन लड़की तोहरा मिली नहीं दूजा चाहे कौन देवी देवता की करवा तू पूजा हमरा जैसन लड़की तोहरा मिली नहीं दूजा चाहे कौन देवी देवता की करवा तू पूजा हमारा फर जाने का राशि का तो क्या करी सरकार कैला प्यार कैला प्यार कैला प्यार हमरे जैसन लड़की तोहरा मिली नहीं दूजा हम तो बानी जवान तू हो बड़ा जवान तब काहे ना करे लो पूरा मरियार मान तब काहे ना करे लो पूरा मरियार मान हपकनी मरनी सा कैला प्यार कैला प्यार कैला प्यार ब्यूटिफुल हम कहेंगे गाने के साथ साथ अदाएं कहीं बुरकियां या फिर आप जिस लहजे से गा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तो फिर शुरुआत अगर उसके असमीज फोक से शुरू करें कुछ असमीज फोक के बारे में बताइए उसकी ब्यूटी के बारे में बताइए उसके सेंस के बारे में बताइए असमीज वहाँ पे एक प्रकृति है ज़्यादातर व्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चित होते हैं अभी अप्रैल आ रही है और अप्रैल में असमीज बहुत बड़ी वहाँ पे कल्चर है और असमीज लोग उनकी इस टाइम में उनकी बहुत सारी बिहू अभी से शुरू हो गया वो लोग और बिहू के ऊपर वो लोग गाना रिहर्सल करने शुरू हो गया और उनकी जो एक गगना होती है मेन उनके एक इंस्ट्रूमेंट है गगना पर और गगना के लेके वो लोग बहुत सारे सॉन्ग वो लोग बनाती है उनकी खान पीन में अभी से उनको जुड़ जाती है खान पीन चावल की अलग अलग उन्होंने पकवान बनती है और वो लोग ये जो बैसाखी है एक कंटिन्यू वन मंथ हाफ एन कंटिन्यू वो लोग एक एक सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पे सिंगर और डांसर बिहू की एक एक कंपटीशन एकदम हाई लेवल की कंपटीशन है अभी से वो लोग शुरू हो गया एकदम ऐसे एकदम उनकी जो अदाई है और उसके ऊपर मैं बिहू एक सुनाऊंगी जरूर असम अभी बैसाखी आ रही है और जानो ए तोय जे कोलिया ओ योलिया बोलिया ओय मुखे एरी गोलियो ओय जान ओय बोकुल बरा धानर ओय सिरा खुंदी सिलु ओय ओय दिबोलोय ने पालु तु ए बोकुल बरा धानर ए सिरा खुंदी सिलु ए सिरा खुंदी सिलु ए दिबोल ने पालु तुके हे ओ मुरे से नाय धन मुख देखिले के लोय नमा तो ओ से नटी सकुलोय नसाओ ए नमा तो ए नुबुज के किन तोय कांदीबी ओ से नटी खिदी ना बुझीबी अकले অকলে অকলে ওই নিজানত অকলে ওই নিজানত বহি बिल्कुल खूब चाहे हम आपके एक्सप्रेशंस की बात करें आपकी गायकी की बात करें आप बहुत इंजॉय करके गा रहे हैं और आई थिंक ये जो आप जिस खुशी के साथ गा रहे हैं वो सुनने वालों तक भी पहुंचती है आप कुछ बताना चाह रहे थे अपने इस गीत के बारे में हाँ एक गीत के बारे में बोलूंगी जो असमी से एक जलपान होती है बोकुल बराधन और सिरा खुंदी सिलो जो चूड़ा होती है जी जी उसकी उन लोग दही से
उनकी बहुत बड़ा ये बड़ी इस फेस्टिवल के ऊपर ये लोग बकुल बड़ा धानर जो इस डांस के साथ जुड़ी हुई है जी, जो ढुलिया होती है ढोल बजाती है तो डांसर जो बोलती है या मैं आपके लिए बकुल बड़ा धान के जलपान लेके आई हूँ और आपने जो है मेरी जो बकुल बड़ा धान की मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाई हूँ और आपने जो है थोड़ी मेरी फैमिली की तरफ से थोड़ी दिक्कत आ गई और उसको मैंने सुबह उठ के आपके लिए इतनी अच्छी तरह जलपान को बनाया बट सुबह उठ के मैंने देखा उस जलपान की ऐसे हो गया आपने जो एक बांसुरी होती है फ्रूटी तो वो बजाई है तो वो आवाज़ सुनते ही वो दौड़ के आई है दौड़ के आते उनकी जो बकुल बड़ा धान बोलती है उनकी जलपान है वो अच्छा। बहुत बड़े खान पीन की उनके तो मैंने आपके लिए नहीं आई वो बहुत नाराज़ हो गए तो आप मुझसे नाराज़ हो गई हो और आप मुझे बोलती भी नहीं हो क्यों नहीं बोलती हो मैंने आपके लिए जलपान इतनी अच्छी तरह बनाई और आपने खाई भी नहीं और कोई बात नहीं आप नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं लेकिन एक दिन आप जाके मेरे लिए एक अंधेरा वाली रूम में मेरे लिए रोएंगे इस उस जलपान को लेके उन्होंने बनाई थी गाना गीत बहुत ही हम कहेंगे थॉटफुल एक्सप्रेशन और आपने बहुत ही अच्छी से उसको हमें समझाया। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच अनीता जी आप यहाँ पर आए शुक्रिया थैंक यू। तो बिल्कुल गीत संगीत आर्ट को आप तभी इंजॉय कर पाएंगे अगर हम कहेंगे हेल्दी रहे और पिछले दिनों मनाया गया वर्ल्ड टीबी डे जिसके तहत किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या कहेंगे भावना कैन वी एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस और अगर इस समय स्थिति की बात करेंगे इस पर भी जानकारी देंगे क्या कहोगे The United States Agency for International Development has been working in India and partnering with the government of India for the last 50 or 60 years. And we really look at this as a government-to-government partnership between the US and India. And it is a very strong partnership between US and India. And the idea is for us to really work together to see gaps that are mutually identified and figure out new ways of approaching those gaps, especially in an issue like tuberculosis that is very complex. Even though it is a preventable and a curable disease, we still have one person dying every 1 minute from tuberculosis. And this is unacceptable. And I think you've seen in India that there is a bold commitment from the government of India to really end TB by 2025. Tuberculosis is responsible for more deaths from an infectious disease than any other disease. We like to think that it's HIV, but it's no longer HIV. It's actually tuberculosis. And in 2017, this is the last year for which we have data, we estimate that 10 million people around the world actually have the disease of tuberculosis. And it has killed 1.6 million people annually. That is 4,400 people a day. And as is pointed out by Mr. Narayan, India has a big burden on this. And so in India alone, just 1,100 people die every single day from this disease. TB, jo hum bolte hai, wo India mein bahut bada problem hai. Pura global burden dekha jayega to uska 1/4 India mein hi hai. Jitna logon ko TB ke bare mein sunenge, baat karenge, sab mass awareness ho jayega hamara pura country mein. उतना अच्छा होगा ताकि उसको जनता को मालूम हो जाए कि सिम्टम्स क्या होता है टीबी का कहाँ से टेस्ट करना है क्या दवाई लेना है कितना देर करना है क्योंकि टीबी जो है एयरबॉर्न डिजीज़ है हवा से फैलता है और जब एक आदमी को होता है तो दूसरा को भी हो सकता है तो अगर हम लोगों को टीबी नहीं है फिर भी मालूम होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं
तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रेज अवेयरनेस ऑन टीबी एज अ डिजीज. द इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीज, वो छोटा में हम द यूनियन बोलते हैं, और ये है अभी 100 साल होने वाला है. 50th यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ होने वाला है. और दूसरा है कि हम लोग साइंटिफिक जर्नल्स को पब्लिश करते हैं, दो इंटरनेशनल जर्नल्स ऑन टीबी एंड लंग हेल्थ, उसमें पब्लिश करते हैं. पिछले साल अमेरिका में न्यूयॉर्क में दुनिया के सब नेतागण आके इकट्ठा होके ये अनाउंस किया है कि हम 2030 तक ये समस्या को ख़त्म कर डालेंगे. हर चार लोगों में एक भारतीय है जो टीबी के बीमारी से मरता है, अब बीमार है वगैरह. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में इसके बारे में लोगों को पता करना. ये बीमारी ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसको क्यूर किया जा सकता है. तो और भारत सरकार और सारे देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी टीबी से क्योर दिलाने के लिए सब व्यवस्थाएं बना के रखे हैं. टीबी ऐसी बीमारी है जो बहुत लोगों को हुई हुई है, लेकिन कोई बताना ही नहीं चाहता इसके बारे में. जितने लोग अपने खुद की स्टोरी बता दे कि हमें टीबी है, तो उतना लोगों को समझ आएगा कि ये बहुत कॉमन डिजीज़ है. वो ऐसे ऐसे नहीं है कि किसी को, मतलब अभी तक अब किसी भी पूछ लोगे, कोई खुद से नहीं बोलेगा कि मुझे टीबी है. लेकिन अगर मैंने अपनी स्टोरी किसी को बता दी, उसके बाद मुझे रिप्लाई आता है, अरे मुझे भी हुआ था, लेकिन मेरे इस फैमिली मेम्बर को हुआ था. तो ये ऐसी चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको समझ में आना चाहिए. उतना ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए. मतलब छुपाने जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें. मैं समझता हूँ मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, टेलीविज़न और अखबार, रेडियो और सब कुछ, क्योंकि यही मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि टीबी और दूसरे लंग रिलेटेड डिसीजेस वगैरह जो है ना, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. कहते हैं दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करना उसको हराने के लिए पहला कदम होता है. टीबी जैसी बीमारी को हराने के लिए भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है. टीबी से आप कैसे बच सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तो खास मेहमान मौजूद हैं. एब्सोल्युटली. तो टीबी की बात कहीं, टीबी की ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, इफेक्ट्स और किस तरीके से आपको किन बातों का रखना है ध्यान, अगर आप जूझ रहे हैं, जानेंगे इस सेगमेंट में. हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं. हमारे साथ है डॉक्टर रूपक सिंगला. आप है HOD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज. वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर सिंगला. एंड वी हैव डॉक्टर विजय हाडा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर AIIMS. घर बैठे लोग, हमारे दर्शक ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, यार आप हमारे स्टूडियो गेस्ट से कुछ भी पूछना चाहे, आप ज़रूर हमारे साथ चर्चा में जुड़े. आपको डायल करना होगा ये नंबर 2309-7524, दैट्स 2309-7524. दिल्ली से बाहर या मोबाइल से कॉल करें तो दिल्ली का STD कोड 011011 ज़रूर लगाएं. और जब अपना सवाल करें, प्लीज़ कृपया करके अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें, ताकि हमारे जो डॉक्टर साहब है वो आपका सवाल सही से सुन सके. तो डॉक्टर रूपक, स्टार्टिंग विद यू, टीबी की जब हम बात करते हैं, हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम, कितनी बड़ी और कितनी भारी है ये डिजीज? ये एक बहुत बीमारी जो है, बहुत ज़्यादा तादाद में इसके लोग हैं, लाखों में इसके लोग हैं पूरे वर्ल्ड में भी और हमारे देश में भी. और पूरे वर्ल्ड में जितने केसेस 2017 के अंदर हुए, उसके करीब करीब 1/4 ऑफ द केसेस दे वर इन इंडिया. तो इट इज़ इन लैक्स एंड मिलियंस. सो एंड इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना, जागरूक होना और जानना इसके बारे में. तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि असल में टीबी है क्या, और अगर कोई इससे ग्रस्त हो जाता है तो बॉडी में किस तरीके के चेंजेस देखे जाते हैं? बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है हवा के द्वारा. जब भी टीबी का मरीज खांसता है, बोलता है, छींकता है, तो उसके द्वारा जो उसके ऑर्गेनिजम्स हैं, कीटाणु हैं, वो हवा में तैरने लगते हैं, और जो दूसरा इंसान उसी हवा के अंदर सांस लेता है तो बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ से वो टीबी के रूप में आ सकते हैं. मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शन डिजीज़ है. हवा के माध्यम से ये एक से दूसरे में जा सकती है. तो फिर सबसे पहले डॉक्टर विजय, बात करें डायग्नोसिस की, कैसे पता चलेगा कि आपको टीबी है या फिर कोई आम बीमारी? देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो मरीज होता है उसमें थोड़ा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है. बिल्कुल. जैसे कि ये पता होना चाहिए कि टीबी के कॉमन लक्षण क्या हैं, जो कि एक लंबी खांसी होना, जो यूजुअली बोलते हैं कि अगर 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है okay. तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए.
उसके अलावा बुखार हो सकता है जी, भूख कम लग सकती है, वजन कम हो सकता है, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको टीबी कौन से हिस्से के शरीर में, क्योंकि ये हम बोलते हैं कि टीबी शरीर के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। ओके जैसे कि अगर बोन की टीबी हुई तो आपको पेन होगा, जैसे जी, जी, स्पाइन की टीबी होती है तो लोग बैक पेन के साथ आते हैं, ऐसे अगर छाती में पानी हुआ तो वो सांस फूलने के साथ आते हैं, जैसे सिर में टीबी अगर होगी मतलब ब्रेन की टीबी है तो उनको सिम्टम हेडेक के होंगे, वोमिटिंग होगी, हो सकता है दौरे भी आ जाएं, बेहोशी भी आ जाए, तो डिपेंड करता है कि टीबी कहाँ की है, पर बाय एंड लार्ज खांसी वाली जो टीबी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि जो खांसी वाली टीबी होती है वो दूसरों को लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है एज कम्पेयर टू बाकी टीबी की। तो सबसे पहला काम तो यही है कि मरीज को ये लगे कि हाँ मेरे को टीबी हो सकती है और मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। एक बार जब डॉक्टर के पास पहुँच गई फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर्स के पास इतने सारे टेस्ट हैं कि हम ज़्यादातर केसेस में बता पाते हैं कि आपको टीबी है कि नहीं है, जिसमें आसानी से हम बलगम की जाँच कर सकते हैं जो कि थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल सकती है। कुछ एडवांस टेस्ट भी हैं जिसमें हम साथ में ये भी बता सकते हैं कि भाई आपको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। और इसके अलावा कुछ केसेस में जैसे मान लो ये नेगेटिव है तो कई बार हम एक्सरे भी कराते हैं और बाकी चीज़ें भी, पर बाय एंड लार्ज बलगम की जांच करना आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब ये पेशेंट को जल्दी की ट्रीटमेंट चाहिए, वरना तो वो बाकी लोगों को भी टीबी लगने का काफ़ी चांस कर देगा। तो डॉक्टर रूपक, इसका इलाज लगभग कितने टाइम तक चलता है? ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी तरह की ट्यूबरक्लोसिस है। एक होती है जिसे हम कहते हैं ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो कॉमन दवाइयां हैं वो काम करेंगी। इन केसेस में 6 से 8 महीने के अंदर इसका इलाज पूरा हो जाता है। ठीक है। फिर एक दूसरी है जो डॉक्टर ने भी जिक्र किया अभी, जो एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस जो कि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, उसमें लंबा इलाज करना पड़ता है, करीब करीब 2 साल तक का है। और आजकल एक नया ट्रीटमेंट भी उसका आया है जिसके अंदर कि कुछ खास तरह के एमडीआर केसेस के अंदर हम जैसे हम शॉर्ट कोर्स बोलते हैं एमडीआर की ट्रीटमेंट, वो करीब 9 महीने से 12 महीने का है जी। तो इस तरह से इसका ड्यूरेशन है। लेकिन डॉक्टर विजय, जो अभी आपने सिम्टम्स बताए जैसे कि आपने कहा सर दर्द होना या वो उल्टी आना या बैक में पेन होना, इसके तहत तो लोग पहले घरेलू उपचार करेंगे या फिर जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे, तो क्या लगता है समय बर्बाद ना करके सीधा विशेषज्ञ को कहाँ जाए, किस किस विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट को दिखाएं? देखिए, जो मैंने जैसे बताया है खांसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लक्षण है, उसके अलावा जैसे सर दर्द के तो बहुत सारे कारण होते हैं। बिल्कुल। लेकिन समझो कि किसी को सर में दर्द है, उसने घरेलू सारे उपचार कर लिए हैं कुछ दिन के लिए और उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूरत है कि उसको अच्छे से डॉक्टर को दिखाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिमाग की जो टीबी होती है यूजुअली उसमें पेशेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ज़्यादा बीमार होता है। तो उस केस में क्या होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में होता है ऑलरेडी, तब उसको सिर में दर्द वोमिटिंग होती है, तब हम सोचते हैं कि शायद इसको ब्रेन की टीबी है। एज़ कम्पेयर जो बैक पेन वाला जो इश्यू है, बैक पेन में तो बहुत बार पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स को दिखाता रहता है या फिजियोथेरेपी में दिखाता रहता है और बोलते हैं नहीं नहीं ये तो पेन आपका पोस्चर की वजह से है, शायद आप ठीक से बैठते नहीं हो, और जो कि डॉक्टर ठीक भी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन कारण तो अभी भी वही है। बिल्कुल। कि आपका पोस्चर ठीक नहीं इसलिए बैक में पेन हो रहा है, लेकिन समझो कि कुछ दिन के लिए उसने इलाज करके देख लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो बेटर है कि आप टीबी के बारे में भी सोचें, वो भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। तो आइए फोन लाइन पर सबसे पहले कॉलर ले लेते हैं, दीपक कुमार है हमारे साथ मेरठ से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? दीपक जी जी अपना सवाल कीजिए। जी जी हम आपको सुन पा कह रहे हो। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि डेढ़ दो हफ्तों से मुझे खांसी आ रही है जी। ये डॉक्टर को भी मैंने दिखलाया था बट ये खांसी रुक नहीं थी, उस बार मैं डॉक्टर पास तो नहीं गया, तो कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं हो सकती इससे, मतलब कुछ डर है? डॉक्टर रूपक, जैसे अभी डिस्कस हुआ, कोई भी खांसी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा की है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, और सिंपल टेस्ट हैं, बलगम की जांच है, उसी से आपको पता चल सकता है कि कहीं टीबी की शिकायत तो नहीं है। तो इस बारे में डरे नहीं, लेकिन जांच जरूर करवा लें ताकि अगर ये ट्यूबरक्लोसिस है तो जल्दी वो पकड़ाई में आ जाएगी। बिल्कुल, मतलब पकड़ में आ जाओ, शायद दीपक जी को सही इस टाइम पर एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो फिर जब आपको पता चल जाता है कि अब आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको क्या क्या एहतियात बरतने हैं? दवा की बात करें, आपकी नॉर्मल रूटीन की बात करें, आपके खान पान की बात करें, और ख़ास तौर से क्या रोल आपकी फैमिली भी अदा करती है अगर आपकी फैमिली में ऐसा पेशेंट है? देखिए, अगर इसमें सब बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और आम आदमी बाकी चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाता है बजाय दवाई लेने के, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि दवाई पूरे ठीक तरह से पूरे टाइम तक जितनी मात्रा में डॉक्टर साहब ने बताई है वो ले, और रेगुलरली ले, बिना छोड़े लेनी चाहिए उसको।
और बाकी जहाँ तक खान पीन का सवाल है, नॉर्मल खाना खाए, पौष्टिक आहार खाए, वो ठीक है. जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इंश्योर करें कि पेशेंट जो है वो ठीक से दवाई खा रहा है, उनका रोल वहाँ तक रहता है. और उसके साथ वो एक अच्छा व्यवहार करें उसको, और ये भी कोशिश करें, ये भी ध्यान दें कि दूसरे लोग, जैसे आजकल जो आम तौर पर हमारे सोसाइटी में है कि ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है तो उसके साथ छुआछूत नहीं करनी, ऐसे करना, ऐसा कुछ नहीं है. और क्योंकि ये बीमारी इकट्ठे बैठने से, इकट्ठा खाना खाने से, कपड़ों से नहीं फैलती है, तो वो सब भी वहम दिमाग में नहीं रखना चाहिए. एंड सबको ये कोशिश करनी चाहिए घर के अंदर कि वो टाइम से दवाई लेता रहे और पूरी करे. एंड अधिकतर केसेस, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, दे आर क्योर. डॉक्टर विजय, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है, टीबी सुनते ही जो मरीज़ होता है ना, घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके. तो क्या ये पूरी तरीके से क्योरेबल है या इससे जान माल का खतरा रहता है? किस तरीके से इसके साथ डील किया जाए? देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँगा कि जो मेरी ओपीडी होती है जी, उसमें जो पेशेंट आते हैं जिनको लंबी खांसी होती है या कई बार बलगम में खून वाले भी आते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, सर मेरे को टीबी तो नहीं है? और मैं ये बोलता हूँ, भैया टीबी निकले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी और जो बीमारियाँ हैं वो सर इससे ज़्यादा खतरनाक ही हैं. जैसे कि बलगम में खून आना, जो मेरी ओपीडी है उसमें लंग कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उससे तो टीबी का इलाज बहुत अच्छा है. तो इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि ठीक है, टीबी है तो है, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है, टीबी का इलाज संभव है. ऑलमोस्ट 80-90% लोग ठीक हो जाते हैं अगर ठीक से वो दवाई लें, टाइम पर दवाई लें, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे लें, कोई भी दवाई मिस ना करें. तो टीबी तो बिल्कुल इलाज वाली बीमारी है और उसमें कोई डरने की बात नहीं होती. क्या किसी खास प्रवृत्ति के मरीज को ये अफेक्ट करता है? टारगेट क्या उन्हीं को किया जाए, मतलब कोई स्पेशल थोड़ा सा सवाल आपने अच्छा पूछा है. पहले तो देखो, कुछ ऐसे होता था कि कुछ साल पहले बोलते थे कि भाई टीबी तो गरीबों की बीमारी है जी ना, ये बड़ी एक मिथ टाइप का था. लेकिन आजकल ऐसे है कि कोई भी टीबी से बच नहीं सकता है, लेकिन कुछ रिस्क ग्रुप हैं जिसमें टीबी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है. जैसे आप और मैं बात करें, अगर हेल्दी आदमी है तो उसके पूरे जीवन में करीब 10% चांस है टीबी होने के. लेकिन कुछ ग्रुप होते हैं जो काफ़ी हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि एचआईवी वाले पेशेंट हैं, जिन लोगों को लीवर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, या कोई ड्रग्स ले रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, जैसे कई लोग स्टीरोइड ले रहे होते हैं, या कई लोग गठिया की वजह से कोई दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. ऐसे ही जैसे किसी को एल्कोहलिक हैं, उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी कम होती है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, तो इन वाले जो बीमारियां होती हैं इनके मरीजों को ज्यादा होने की संभावना है. वल्नरेबल ग्रुप है और ये जल्दी से इस बीमारी से पीड़ित है. और एक जो एक और ग्रुप है मालनरिस्ट, ओके, जो मालनरिस्ट जो होते हैं वो लोग भी टीबी होने के ज्यादा चांस होता है. तो मतलब कहीं ना कहीं इम्यूनिटी आपका बहुत अहम रोल अदा करती है. करेंगे इस पे बारे में बातचीत, लेकिन फोन लाइन पर तरुण कुमार है गाजियाबाद से, उनका सवाल ले लेते हैं. हेलो 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 जी, तरुण जी अपना सवाल कीजिए. मैम ये एमडीआर टीबी शो ऑफ हुई है, एमडीआर टीबी शो हुई है, तो उनकी जो पहले दवाई चली थी वो 3 महीने चली थी और वो फिर छूट गई थी, और डॉक्टर साहब ने उनको बलगम के लिए टेस्ट बोला था, इमिनेंट में वो नेगेटिव है और बलगम में पॉजिटिव आ रहा. तो अगर आपको एमडीआर की जो डायग्नोसिस बनाया गया है तो उसके बारे में भी चिंता की ज़रूरत नहीं है. ये भी इसका भी इलाज हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है. बट आप ये भी देखिए कि पहले आपने दवाई लेके छोड़ी क्यों थी. तो इस बार अगर आपने दवाई छोड़ी तो फिर ये ऐसी बीमारी बदल जाएगी जो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी. तो आपको ध्यान रखना है, और इसका इलाज भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल फ्री दे रही है, और अच्छी दवाइयाँ इसके बारे में उपलब्ध हैं. तो आपको सेंटर पर जाना चाहिए और जाँच करवा के, और जैसे जैसे डॉक्टर बताएं आपको ट्रीटमेंट, मतलब डायग्नोस के साथ साथ दवा आपको छोड़ दी नहीं है, यू नो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फिर डॉक्टर विजय, एमडीआर टीबी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए. हम बात करते हैं टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, तो क्या एमडीआर टीबी का भी इलाज संभव है? दवा कितने लंबे समय तक चलेगी? बिल्कुल, देखिए जैसे अगर हम ये बोलें कि एमडीआर को रोकना कैसे, वो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि जल्दी डायग्नोज करें, सही से इलाज शुरू करें. मतलब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप डायग्नोस कर लो जी. और पहली बार टीबी हुई है तो फिर भी ध्यान तो रखना चाहिए कि कहीं इसको एमडीआर तो नहीं है. तो आजकल जो हम टेस्ट करते हैं उसमें कुछ कुछ टेस्ट हैं जो बता देते हैं कि एमडीआर तो नहीं है जी. जो सीबीनेट जिसकी बात कर रहे थे उसमें हमें पता लग जाता है एमडीआर है कि नहीं है. अगर वो ड्रग सेंसिटिव है तो उसको हम ड्रग शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद पेशेंट को रेगुलरली दवाई लेनी चाहिए. अगर वो मिस नहीं करता तो एमडीआर होने का कम चांस है. इन केस उनको एमडीआर है जो कि
बलगम के टेस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे हम बताते हैं कि एमडीआर है, तो उसका इलाज संभव है, संभव है, और उसके काफ़ी सारे ड्रग्स भी हैं, काफ़ी इफेक्टिव भी हैं, और कुछ साल पहले तक, बल्कि एक दो साल पहले तो इसका लंबा इलाज था कि कम बोलते थे भाई कम से कम आपको दो साल तक दवाई खानी पड़ेगी, और आजकल लेकिन कुछ नई नई दवाइयाँ आ गई हैं जो इतनी इफेक्टिव हैं कि इसको हम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था उसको हम करीबन एक साल में भी ट्रीट कर सकते हैं एमडीआर टीबी को, और उसका रिजल्ट पहले से काफ़ी अच्छा है। तो ज़रूरी है कि उसका डायग्नोस बने, सही डॉक्टर से संपर्क करें और दवाइयाँ जैसे बताइए वैसे खाएँ। डॉक्टर रूपक, आप डॉट्स के बारे में कुछ ज़रा हमें बताइए ताकि दर्शक जागरूक हो सके। एक्चुअली डॉट्स का मीनिंग है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, क्योंकि ये माना गया है कि टीबी के अंदर चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस भी लेवल का हो, लेकिन वो दवाई खानी छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछूं आपने कितने दिन एंटीबायोटिक खाया गला ख़राब होता है, तो डॉक्टर 7 दिन बताता है, आप 2-3 दिन में बंद कर देते हैं। अब टीबी का इलाज जहाँ 6 से 8 महीने हैं और मरीज 1-2 महीने में ठीक हो जाता है, तो उसके बाद अधिकतर मरीज अगर उनके ऊपर छोड़ दें आप तो वो लेना बंद कर देगा। तो डॉट्स में हम ये उम्मीद करते हैं कि पेशेंट सेंटर में आएगा और डायरेक्टली ऑब्जर्व होगा कि वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर के सामने उसे पानी दिया जाएगा, दवाई दी जाएगी और वहाँ सामने उसके दवाई को निगल लेगा। दिस इज बेसिक आइडिया है इसकी, वो दवाई को खाए, क्योंकि जैसे वो ठीक होता है उसके बाद दवाई खाना छोड़ देता है और उसकी वजह से तो फिर ये ठीक नहीं हो पाती है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा दवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, दिन में क्या केवल एक ही बार दवा लेनी है? और इसके साथ साथ अक्सर हमने देखा है दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लोग अक्सर चिंतित होते हैं, क्या टीबी ड्रग्स, टीबी से जो दवा है उसको ठीक करने वाली, क्या उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर के बाकी अंगों पर कुछ ना कुछ असर पड़ता है? इसी में कुछ ऐसा सुना भी गया है कि लीवर को वो अफेक्ट करता है, तो ये सच है कि मिथ है? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे, एक तो कि टीबी की दवाई दिन में कितनी बार लेनी पड़ती है, तो टीबी की जो ज़्यादातर दवाइयाँ हैं वो दिन में एक ही बार लेनी होती हैं। कई बार हम बोलते हैं कि भाई आप खाली पेट लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार ये होता है कि पेशेंट खाली पेट नहीं ले पाता, तो भी कोई बात नहीं, हम लोग बोलते हैं पहले आप खाना खा लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद खाना खाने के बाद खा सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसके। देखो, ज़्यादातर पेशेंट टीबी की दवाई को आराम से ले पाते हैं। जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि पेशेंट लेते हैं उनको वोमिटिंग जैसा लगता है, थोड़ी गैस जैसी लगती है कि नहीं हमें तो गैस बन रही है। हमारी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, जो थोड़ी सी चिंता का विषय होता है कि लीवर पे टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही उसके, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, लेकिन 4-5% लोगों को लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। पर जो भी डॉक्टर टीबी को ट्रीट करते हैं उनको इस बात का पता है, इसलिए बहुत ही क्लोजली पेशेंट को फॉलो करते हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं, ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको आराम से हम पेशेंट से पूछते भी हैं कि लीवर से मदद कोई दिक्कत, मतलब दिन में एक बार दवा लेनी है कोशिश कर सके खाली पेट, लेकिन रेगुलर दवा लेनी है जब तक आपके विशेषज्ञ ना बताए। मेराल वासुदेव जी दिल्ली से फोन लाइन से पर हमारे साथ जुड़े, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी वासुदेव जी, अपना सवाल कीजिए। मेरे बहन को टीबी हुआ है जी, 2 महीने से कंटिन्यू कर रहा है मेडिसिन, और उसकी वजन कमती जा रही है, दवा लेने के बावजूद भी डॉक्टर रूपक कमती जा रही है। जी जी जी, अगर ऐसा है तो अगर वो दवाई, पहले तो आप ये देखिए कि दवाई वो ले भी रही है कि नहीं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट कह तो रहा है मैं दवाई ले रहा हूँ, लेकिन दवाई नहीं ले रहा होता, और अगर आप देखते हैं कि वो पेशेंट दवाई ले रहा है और उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, वजन उसका कम होता जा रहा है, तो उसको इमीडिएटली जाके सेंटर में बताना चाहिए जहाँ से दवाई ले रहे हैं, उसकी जांच की जाएगी, बलगम की जांच की जाएगी, जरूरत पड़ी एक्सरे भी किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि कहीं ये एमडीआर में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा कहीं किसी वजह से, तो उसकी जांच भी हर सेंटर में उपलब्ध है। तो ऐसे में आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत सेंटर जाके और वहाँ के जो भी स्टाफ है डॉक्टर्स उनको बताना है कि दवाई लेने के पश्चात भी ये ठीक नहीं हो रही है, बट पहले इंश्योर करिए कि वो दवाई ठीक से ले भी रही है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हम चाहे टीबी की बात करें या किसी भी बीमारी की बात करें, बहरहाल वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी मायूसी ले आती है, लेकिन अगर आप सही डॉक्टर के पास सही समय पर जाए तो ना केवल ज़िंदगी का बल्कि त्यौहारों का भी आप मज़ा ले सकते हैं। तो बस बातें हम बहुत ही सीरियस कर रहे हैं टीबी से जुड़ी, थोड़ी सी राहत देते, आइए आपको होली से जुड़ी हमारी दिखाते हैं रिपोर्ट। We'll be right back.
हिंदुस्तान में जो हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, हमने इतनी बड़ी कमी भी नहीं देखी। और हर साल, पिछले साल 3000 लोग यहाँ पर पहुँचे थे, अब के साल 6000 के आसपास यहाँ पर परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं। भारी तादाद में लोगों ने बहुत ही एक भाईचारे के प्रति, बहुत ही एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से एक डांस करना, रेन डांस का जो बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया है। बिल्कुल, जब हम विशेस देते हैं होली के, वी ऑलवेज से प्ले अ सेफ होली। दिवाली की बात करें तो हम दिवाली पर भी कहते हैं प्ले सेफ दिवाली। तो जब लाइफ की बात आ जाती है तो हम क्यों अनसेफ हो जाते हैं, और बिल्कुल ही हम कहेंगे कि रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रूपक और डॉक्टर विजय जुड़े हुए हैं। सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, मेडिकेशंस की बात करते हैं, किसी भी बीमारी की बात करते हैं, टीबी पर आए, आपने दवा ले ली, तो क्या रिकरेंस के भी चांसेस रहते हैं, या आप बिल्कुल सेफ गार्ड, आपके अंदर वो सेफ्टी सोल्जर्स आ गए हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल बेचिंत होकर ज़िंदगी निकालनी है? देखिए, एक बार टीबी जो हम दवाई देते हैं तो हम मान के चलते हैं टीबी ट्रीट हो गई है, पर ऐसा नहीं कि उसको दोबारा नहीं होगी, चांसेस कम हैं। पर अगर बाकी पेशेंट से या बाकी आम लोगों से आप कंपेयर करोगे तो जिनको एक बार टीबी हो गई है उनको दोबारा होने का थोड़ा सा चांस ज़्यादा होता है, पर बहुत ड्रामेटिकली ज़्यादा नहीं होता कि भी आप मेरे को तो कभी नहीं होगी और इसको तो कल ही हो जाएगी, ऐसे नहीं है। पर यस, उसका डेफिनेट रिस्क तो है, जिनको एक बार टीबी हुई है उनको दोबारा होने का, एज वेल एज या तो वो रिलैप्स हो जाता है या रिकरेंस हो सकता है। तो क्या इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए, अगर आपका टीबी होकर ठीक हो गया है फिर भी क्या आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं? देखिए, वैसे कोई टीबी के लिए स्पेशल लाइफस्टाइल तो नहीं है, जो बाकी डिजीज़ के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली, तो वही है, बाकी तो कोई स्पेशल वो नहीं है कि जिससे आप करोगे तो टीबी नहीं होगी। जी, जैसे अभी हमने बात की कि आम इंसान अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उस रूप से जी सकता है जब टीबी से वो ग्रस्त है, बिल्कुल, लेकिन क्या कहीं किसी स्टेज पर ऐसा होता है कि उसको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत होती है? कुछ ऐसे केसेस हैं, कोई ऐसी स्टेजेस हैं? जैसे सपोज ये पेशेंट जिसको टीबी हो चुकी है जी, अब उसको दोबारा वैसे वो ठीक लाइफस्टाइल जी रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हेल्दी लाइफस्टाइल है, खाने पीने का ध्यान रख रहा है, बट उसको अगर जैसे स्टीरॉयड लेने की जरूरत पड़ती है या उसमें HIV डायग्नोस होता है या उसको डायबिटीज हो जाती है या उसको कुछ ऐसी दवाई लेनी पड़ती हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी कम करती हैं, तो उन स्टेजेस में उसको जरूर ध्यान रखना है कि कहीं मुझे दोबारा से टीबी ना हो जाए, तो वो ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली आज के लिए भी देखा गया है कि जो स्मोकर्स हैं उनको 3-4 गुना टीबी के चांस ज़्यादा हैं, तो स्मोकिंग बिल्कुल आदमी को अवॉइड करनी चाहिए और शराब आपका सेवन भी नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ चेंजेस ये सब आपको करने चाहिए। तो फिर चलते चलते डॉक्टर विजय, जिन लोगों को टीबी है और वो बहुत डरे हुए हैं इन स्पाइट ऑफ कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से उनके लिए जो कि टीबी से जूझ रहे हैं कि नहीं, देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड? देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, टीबी लाइलाज नहीं है, ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं और अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं, आम जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल, जैसे एक बार टीबी की दवाई ख़त्म तो एकदम बाकी जैसे मरीज होते हैं वैसे ही वो हैं, और यूजुअली जैसे हम दवाई शुरू करते हैं 2-3 वीक्स के बाद में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और लगभग 2 महीने के बाद तो मरीज एकदम नॉर्मल फील करना शुरू कर देता है। जो डॉक्टर रूपक भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, वो एक स्टेज इंपॉर्टेंट है, जैसे उनको लगता है मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, दवाई बंद करने का सोच लेते हैं वो लोग, तो इतना भी ठीक हो जाते हैं लोग। तो ऐसे नहीं है कि भाई टीबी से कोई डरने की ज़रूरत है, हाँ लेकिन एक बात है कि आपको टीबी दवाई रोज़ाना लेनी पड़ेगी, वो थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा है, बस वही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। तो बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर रूपक, वापस आपसे एक सवाल मेरा है कि क्या पॉल्यूशन टीबी को बढ़ाता है? जैसे आपने स्मोकिंग की बात की, तो पॉल्यूशन क्या रोल प्ले करता है इसमें? देखिए, पॉल्यूशन एज सच लंग्स की जो इम्यूनिटी वगैरह को इस पर असर कर सकता है, उस हिसाब से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन को भी हम ध्यान रखें, उससे बचें हम, और ख़ासकर वो मरीज़ जिनको टीबी होने के चांस ज़्यादा हैं, जैसे पहले जिक्र हुआ, तो उन लोगों को खास ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पोल्यूशन से बचें। बिल्कुल, तो जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर रूपक एंड डॉक्टर विजय फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बिल्कुल इसी तरीके से, खासतौर से अगर हम इस सेगमेंट को रैप अप करें, तो दवा सबसे पहले सही समय पर विशेषज्ञ के पास जाए, रेगुलर मेडिसिन ले, बीच में ना छोड़े, और फिर आप एक नेचुरल और एक हेल्दी लाइफ जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल, तो आज के अंक में इतना। इसी तरह सोमवार से शुक्रवार गुड इवनिंग इंडिया के माध्यम से 4 बजे से 5 बजे हम आते हैं आप तक, पहुँचाते आप तक ढेरों जानकारी। ऑन दैट नोट, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।